कोरोना जैसी विपदा के बीच भिकनगांव नगर के कुछ युवा ऐसे हैं जो कि मानवता के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। भूखों को भोजन और थमती सांसों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर तक की व्यवस्था करा रहे हैं। भिकनगांव नगर के दो संस्था प्राणवायु और कोरोना फाइटर के सदस्यों का कहना है कि कोरोना ने कई परिवारों को बर्बाद किया है, कई जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में जिनके अपनों ने मुंह मोड़ लिया है उन्हें मदद देने नगर की दो संस्था दिन रात लगी रहती है। भोजन हो या ऑक्सीजन, आधी रात को जरूरतमंदों की टीम पहुंच जाती है। शुक्रवार को प्राणवायु संस्था को नगर के समाज सेवी स्वर्गीय किरीट पटेल की स्मृति में 10 ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट किए। प्राणवायु ने 2000 से अधिक लोगों तक ऑक्सीजन पहुँचा चुके। पवन चौबे, गणेश ठाकुर और शीर्ष गंगराड़े ने बताया कि विगत 40 दिनों से संस्था प्राणवायु निःशुल्क रूप से दिन रात लोगों की सेवा में लगी हुई है। मात्र 5 सिलेंडर शुरू हुआ था, प्राणवायु के पास अभी लगभग 40 छोटे बड़े सिलेंडर हैं जो अपनी सेवा नगर में शासकीय अस्पताल, जैन हॉस्पिटल, मोहन हॉस्पिटल, रुद्रांश हॉस्पिटल सहित ग्रामीण क्षेत्र में घरों में लगने के लिए भी दे रहे हैं। दिगन गांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरी फैमिली को ज़रूरत महसूस हुई गाँव के लिए, इसलिए हमने प्राणवायु संस्था को मेरे पिता किरीट पटेल की याद में ये डोनेशन दिया। सेवा के इस दौर में आपकी संस्था बहुत काम कर रही है, क्या है प्रवेशन? कोविड महामारी के संकट में सबसे ज़्यादा जो समस्या जा रही थी ऑक्सीजन की, उसको ध्यान में रखते हुए प्राणवायु संस्था की स्थापना की गई भिकनगांव में। और इसमें ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जो सिलेंडर की आवश्यकता थी उसको पूरा करने के लिए समाजसेवी स्वर्गीय किरीट पटेल जी के परिवार की ओर से आज हमें सिलेंडर दान में दिए गए हैं और प्राणवायु संस्था उनका बहुत बहुत आभार मानती है। पूरे नगर की ओर से हम उनको धन्यवाद करते हैं। इस महामारी के दौर में हमारी संस्था के द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए जहाँ से भी जो भी मदद मिलती है उसको हमारे द्वारा पूरी तरह से सिरोधारी किया जाता है और जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए हमारी संस्था सिलेंडर उपलब्ध कराती है निःशुल्क। हमने हमारी संस्था की ओर से ये तय किया है कि डॉक्टर की स्लिप के आधार पर ही हम सिलेंडर सप्लाई करते हैं। जिनको भी आवश्यकता होती है वो डॉक्टर की स्लिप के आधार पर हमसे सिलेंडर ले जाते हैं और जैसे ही उनका काम खत्म होता है वो वापस दे करके आ जाते हैं। आपकी संस्था कब से काम कर रही है, कब तक जारी रहेगा? करीब हमको एक महीना होने में आ गया है और लगभग हमने अभी तक 400 लोगों की मदद कर चुके हैं और आगे भी ये मदद जारी रहेगी और जब तक ये समस्या हल नहीं हो जाती कोविड की, हमारी संस्था लगातार इसके लिए आगे काम करती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।